हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टेक हिटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि रेडमी नोट 5 प्रो को आप हीटिंग प्रॉब्लम से, और अगर आपका फ़ोन हैंग हो रहा है या फिर रेडमी का कोई सा भी फ़ोन हो, अगर आपका वो फ़ोन हीट हो रहा है या फिर हैंग हो रहा है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। चलिए आपको ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा तो कि ये क्यों होता है और कैसे इसको ठीक करना है। वीडियो के नीचे इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये जो है मोबाइल हीटिंग का प्रॉब्लम, ये क्यों आती है? ये जो आती है सीपीयू पे, अगर आपके ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो जो है हीट होगा ही। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो आपको सीपीयू पे कम से कम लोड देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, वो टिप्स ट्रिक्स नहीं कह सकते उसको, वो कुछ सेटिंग्स है मोबाइल में दिए गए सेटिंग्स है, बस आपको वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको वो सारे सेटिंग्स कर लेने हैं जिसके बाद कि आपका मोबाइल जो है कम हीट होगा और हैंग भी नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा चलेगा, जैसा कि मेरा अभी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पहली सेटिंग जो करनी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सेटिंग में जानी है। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखिए वहाँ पे आपको सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे धीरे धीरे, तो वहाँ आपको एक परमिशन का सेटिंग मिलेगा। परमिशन में जाना है, वहाँ आप देखोगे कि आपको ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ऑटो स्टार्ट में जाके जो है आपको जितने भी सारे ऐप्स हैं, एक्स्ट्रा ऐप है, उन सबको आपको ऑफ़ कर देना है, और सिर्फ आपको वो ऐप्स रखने हैं जिसमें कि मैसेज आती हो, जैसे कि आपको व्हाट्सएप रख लेना है। अगर आपको फेसबुक का काम है तो आप फेसबुक भी रख सकते हो। ये बेसिकली ये सेटिंग करती है कि अगर आप इसमें ऑन रखोगे तो आपका जो है व्हाट्सएप, अगर आप वो आपका बैकग्राउंड में ऑन नहीं भी रहेगा तब भी आपको अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है तो वो मैसेज आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर दे रहे हो तो वो जो मैसेज जो है आपका व्हाट्सएप का, जब तक आप व्हाट्सएप को ओपन नहीं करोगे तब तक आपका मैसेज जो है वो ऊपर नोटिफिकेशन बार में नहीं आएगा। तो ये बस इतना ही काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे ऐप्स को इसमें ऑफ कर देना है। बस आप व्हाट्सएप, फेसबुक रख सकते हो और बाकी जितने भी ऐप्स हैं उसको ऑटो स्टार्ट से हटा देना, मतलब ऑफ़ कर देना। तो उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कुछ ऐसी ऐप्स भी होती हैं जो कि इसमें से आप अगर ऑफ़ भी कर दोगे ऑटो स्टार्ट से, तब भी वो बैकग्राउंड में रन करते रहती है। अगर आप उसको ऑन नहीं भी करोगे तब भी वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है मोबाइल ऑन होने के साथ। तो उसके लिए फ्रेंड्स, ये मोबाइल में कुछ सेटिंग दिए हुए हैं, वो आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। आपको सेटिंग में जाने के बाद बैटरी में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाना है। वहाँ आप देखोगे चूज ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है नीचे, उसमें आपको जाना है चूज ऐप्स में, और जो भी आप जो भी ऐप आपकी जो है मोबाइल ऑन होने पे खुद ब खुद ऑन हो जा रही है, बैकग्राउंड में प्रोसेस हो जा रही है, उस पर उस ऐप पे आपको जाना है। उस ऐप पे क्लिक करके यहाँ आप देखिए रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स और रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी है, ये दो ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक ऑप्शन इस दोनों में से रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो इस तरह से उस ऐप को आप रोक सकते हो जो आपको ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन करने लगती है, आप उसको ऑन नहीं भी करते हो तब भी। तो ये तो होगी पहली सेटिंग। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी सेटिंग बता दे रहा हूँ। दूसरी सेटिंग जो है आपको लोकेशन को, जीपीएस को ऑफ रखना है। जीपीएस जो है मोबाइल का बहुत सारा बैटरी कंज्यूम करता है, और बैटरी कंज्यूम होने के साथ साथ वो सीपीयू भी बहुत सारा कंज्यूम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लोकेशन मोड को जो है आपको बैटरी सेविंग मोड पर रखना है। तो वो आपको कहाँ से करनी है वो मैं आपको देखिए बता दे रहा हूँ। आपको सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाना है, वहाँ आपको दिखेगी प्राइवेसी में जाने के बाद वहाँ आपको लोकेशन दिख रहा है। देखिए लोकेशन जो मैंने अभी ऑफ रखा है, अगर आपका ऑन होगा तो उसमें हाई एक्यूरेसी पे होगा, तो हाई एक्यूरेसी पे होगा तो आपको बैटरी सेविंग मोड में रख कर देना है। और जब भी आपको इंस्टेंट लोकेशन की ज़रूरत हो मैप में, तब आप हाई एक्यूरेसी पे कर सकते हो, लेकिन वैसे हमेशा आप बैटरी सेविंग मोड में रहने दिया करो, तो ये इससे हीट कम होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, गूगल जो है आपका लोकेशन हमेशा ट्रेस करते रहता है, जिसके कारण कि आपको ऊपर में हमेशा टेम्परेचर शो करता रहता होगा। अगर वो आप नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से उसको बंद कर सकते हो। यहीं पे देखिए आपको नीचे दिख रही है गूगल लोकेशन हिस्ट्री, गूगल लोकेशन शेयरिंग, तो इसमें अगर आपका ऑन होगा तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑफ़ का ऑप्शन मिलेगा, वो ऑफ, वहाँ से आप जाके उसको ऑफ कर सकते हो। इसी में लोकेशन में ही एक और ऑप्शन है स्कैनिंग का। देखिए यहाँ पे स्कैनिंग में जाने के बाद आपको यहाँ वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग होगा, ये दोनों सेटिंग अगर आपका ऑन होगा तो इसको आपको जस्ट ऑफ टैप करके इसको ऑफ कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मैं आपको, और फ्रेंड्स ये जो है अगर आपकी सिग्नल कम आ रही है, जो यहाँ पे टावर देख रहे हो आप फुल है, यहाँ पे अगर आपकी एक सिग्नल है, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो आपको वो बार बार सिग्नल कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो आपको अच्छा होगा कि आप एयरप्लेन मोड में कुछ देर के लिए कर लो जब तक कि आपका सिग्नल स्टेबल नहीं हो जाए, क्योंकि सिग्नल जो होता है ऑटोमेटिक सर्च होते रहता है जिसके कारण कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है और मोबाइल हीट भी होता है, तो आप उसको एयरप्लेन मोड में कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एनिमेशन को ऑफ़ कर देना है। अगर आपका देखिए मोबाइल जो है हीट हो रहा है, लैग कर रहा है आपको बार बार,
तो उसके लिए आपको एनिमेशन, जैसे ये सब एनिमेशन देख रहे हो, ये एनिमेशन इसको आप ऑफ़ कर सकते हो। ऑफ़ कैसे करना है आपको, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका डेवलपर मोड ऑन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद MIUI वर्जन देख रहे हो आप, इस पर आपको 7 to 8 टाइम्स क्लिक करना है। 7 to 8 टाइम्स क्लिक करोगे तो नीचे आपको लिखा आएगा यू आर ए डेवलपर, तो आपको उस वहाँ से फिर बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में आपको दिखेगा वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन, देखिए यहाँ डेवलपर ऑप्शन है। डेवलपर ऑप्शन में थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते आने के बाद आपको विंडोज़ एनिमेशन स्केल दिख रही है, ये आपका डिफ़ॉल्ट 1x रहता है, तो इसको आपको 0.5 कर सकते हो या फिर ऑफ़ कर सकते हो। 0.5 ही कर देना आप, 0.5 पे करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब आप ऑफ़ कर सकते हो। यहाँ पे विंडोज़ एनिमेशन स्केल, उसके नीचे ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इस तीनों को आपको 0.5 कर देना है, तीनों को 0.5 कर देना है। अगर इससे भी आपकी लैग कम नहीं हो रही है तो आप ऑफ़ भी कर सकते हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स एक और सेटिंग है, वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, मतलब जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अगर ऐसा आप में हो रहा है तो आप उसको ऑफ़ कर दो, ये बार बार CPU पे बहुत सारा लोड दे रहा है, तो उसको आपको ऑफ़ कहाँ से करना है, आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड है, उस लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाना है। वहीं आपको एक देखिए नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा तो वहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये देख रहे हैं ये वाली ऑप्शन, इसको आपको ऑफ़ करके रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ जी, तो उसके बाद जो है अगली आपको सेटिंग करनी है वो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑफ़ करना है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल जो है, आपकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ रही है घट रही है, तो उसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, खुद से बड़ा घटा सकते हो, तो आप उसको जो है ऑटोमेटिक हो रही है उसको आपको बंद कर देना है। ऑटोमेटिक होती है तो वो जो है आपकी सेंसर आपको यूज करता है, सेंसर लाइट सेंसर यूज होता है उस टाइम में, और अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑफ़ कर दे हो तो वहाँ पे जो है वो लाइट सेंसर यूज नहीं होगा। देखिए इसको ऑफ़ कर दे रहे हैं, यहाँ से आप उसको ऑफ़ कर सकते हो, देख लिए ना आप कहाँ से करना है। आपको डिस्प्ले में जाना है, वहाँ ब्राइटनेस लेवल होगा, वहाँ से आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑफ़ कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि वाइब्रेशन को ऑफ़ कर देना है। वाइब्रेशन मतलब कि जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हो, टाइप कर रहे हो तो कीबोर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है, कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो तब वाइब्रेशन हो रहा है, तो आप कीबोर्ड का वाइब्रेशन भी ऑफ़ कर सकते हो। फिर आप डायल पैड या फिर साउंड से यहाँ पे जाके आप वाइब्रेशन ऑफ़ कर सकते हो, देखिए वाइब्रेशन ऑन टैप है तो इसको आप ऑफ़ कर देना। उसके बाद इसी तरह के जितने भी वाइब्रेशन होते हैं सबको आपको ऑफ़ कर देना है। और फ्रेंड्स गूगल अपडेट जो प्ले स्टोर से अपडेट होता है उसको जो है ऑटोमेटिक अपडेट, अगर आप वो ऑटोमेटिक अपडेट पे लगा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक अपडेट को बंद कर देना है। और जो आपका मोबाइल जो है, मोबाइल जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। जैसे देखिए अबाउट फोन में जाके आप सिस्टम अपडेट में आप उसको चेक कर लो, अगर आपका अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लो आप। अपडेट रहने से जो होता है सिक्योरिटी पैच नया मिलता है और आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम होती है वो जो है कंपनी के थ्रू सॉल्व हो जाती है, तो इसलिए आप हमेशा मोबाइल को अप टू डेट रखा करो। और उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात जो है आपको करनी रहनी है कुछ कुछ दिनों में, वो आपको बता दे रहा हूँ। आपको सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ आप देखोगे कैच डाटा, देखिए कैच डाटा को आपको क्लियर करते रहना। देखिए 1.1 GB है ये कैच डाटा, को आपको क्लियर करते रहना है कुछ कुछ दिन पे, लगभग हर सप्ते में आपको एक बार कम से कम क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद देखिए 1.1 GB से आपको कुछ देर में यहाँ पे तुरंत रिड्यूस हो जाएगा, ये कुछ MB हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। देखिए कैलकुलेटिंग हो रहा है और ये हो गया, तो बस ऐसे ही आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। उसी के बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है वो भी स्टोरेज में ही है। स्टोरेज में आप देखिए नीचे सबसे नीचे क्लीनर का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लीनर पे भी आप देख सकते हैं, क्लीनर पे आपको जाना है और उसमें देखिए सारा जितना भी आपका वेस्ट फाइल होगा सारा को वो क्लीन कर देगा। तो वहाँ से आप यहाँ पे देखिए 143 MB है, ट्रैश फाइल है, ये सबको आपको क्लीन कर देना है। यहाँ क्लीनअप पे क्लिक करके सारा फाइल आपको क्लीन कर देना है। और फ्रेंड्स बहुत लोग ये मैं जो अभी बता रहा हूँ वो आपको सुन के हंसी आएगी, फिर भी आप इसको आप कर सकते हो। आप देखोगे कि ये करने के बाद आपकी फ़ोन की जो है परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, तो मैं अपने फ़ोन के साथ ये करता रहता हूँ हमेशा। तो आपको क्या करना है, आपको दिन में कम से कम एक बार आपके फ़ोन को रिबूट करना है। रिबूट नहीं तो आप उसको पावर ऑफ़ कर सकते हो, पावर ऑफ़ कम से कम आधे घंटे के लिए, 24 घंटे में एक बार अपने फ़ोन को आप आधे घंटे के लिए ऑफ़ करके रख दो, या फिर आप रात में सोने टाइम फ़ोन को ऑफ़ कर दिया करो। इससे क्या होगी फ़ोन थोड़ी देर आराम, फ़ोन को भी थोड़ा देर आराम मिल जाएगा, वो भी थोड़ा सो लेगा।
तो उसके बाद जो आपको नेक्स्ट सेटिंग करनी है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। वो सेटिंग में जाना है आपको, आपको जितने भी सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है वो सबको आपको ऑफ कर देना। देखिए यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ MI अकाउंट के नीचे सिंक का ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाना है आपको। ऑटो सिंक डाटा ऑन होगा आपका तो उसको आपको ऑफ कर देना है, इसको जो है आपको ऑफ कर देना है। और MI क्लाउड में भी जाना है, वहाँ भी आपको देखिए सिंक ऑन होगा तो उसको ऑफ कर देना है यहाँ से। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है, अगर आपका ये सब करने के बाद भी आपका मोबाइल ठीक नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल को एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में देखिए आप सबसे नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो वहाँ आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन मिल रहा है। बैकअप एंड रिसेट पर आने के बाद आप सबसे नीचे फैक्ट्री डाटा रिसेट का ऑप्शन आ रहा है। आपको फैक्ट्री डाटा रिसेट पर क्लिक करके आपको वो पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड इंटर करने के बाद आप जो है अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर लो एक बार। उसके बाद जो आपका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर ये इससे भी नहीं हो रहा है तो आपको एक बार MI सर्विस सेंटर आपको विजिट करना पड़ेगा, तभी आपका मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी ये वीडियो पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह के रोज़ अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट कर दें, आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।